प्यारे बच्चों, आज 10+2 का फ्लेमिंगो बुक का लॉर्ड स्प्रिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके राइटर अनीश जंग है और इसमें दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरीज को हम फर्स्ट पार्ट में आज देखते हैं और ये शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गारबेज, गारबेज कूड़े के ढेर में। कूड़े में कई बार मुझे एक रुपया मिल जाता है। ये एक गारबेज जो रैग पिकर बच्चे होते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, उन बच्चों की कहानी है। वो बच्चे कई बार राइटर को मिल जाते हैं और उनसे बात करते करते वो बच्चे बताते हैं कि वह कई बार मुझे कूड़े करकट के अंदर एक रुपया मिल जाता है। अब वो शुरुआत में क्वेश्चन करती है, वाई डू यू डू दिस, ये तुम ऐसा किस लिए करते हो, क्यों करते हो ऐसा। आई आस साहेब होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गारबेज डैम्स ऑफ माई नेवरहुड। मैन वाई डू यू डू दिस, ऐसा तुम ये क्यों करते हो ये काम। मैंने साहेब से पूछा जो मुझे रोज़ सुबह एनकाउंटर मिल ही जाता है। एनकाउंटर माने मिलना, भिड़ंत होना, जो मुझसे रोज़ मिलता है। स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गारबेज डम्प्स, कूड़े के बड़े बड़े डम्प्स में, ढेरों में वो सोना ढूंढता हुआ मिलता है। माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही कूड़े के ढेरों में वो कूड़े करकट को, जो वेस्ट मटेरियल उठाता है, उसको वो सोना बोलता है, गोल्ड। उनके लिए तो वो सोना ही है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब अपने घर को बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ के आया था। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उनका घर कहाँ था, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। ढाका बांग्लादेश, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब उसकी यादों में उसको याद नहीं है उसका घर कैसा था, वो बच्चा था जब घर से आया था। There were many storms that swept away their fields and homes. There were many storms. वहाँ उनके देश में बहुत सारे तूफान आए। They swept away, उन्होंने उड़ा दिया, बहा दिए, fields and homes, उनके घरों को, उनके खेतों को बहा दिया तूफानों ने। His mother tells him, ऐसा उसकी माँ ने उसको बताया, उसकी माँ बताती है उसको, वो बच्चा अपनी माँ की बताई हुई बात राइटर को बताता है। That's why, इसीलिए they left, उन्होंने अपने घर को, अपने जगह को छोड़ दिया। Looking for gold in the big city where he now lives, अब जिस बड़े शहर में वो रहते हैं, अब वो सोने की तलाश में रहते हैं। सोना, उनका सोना garbage, कूड़ा करकट। I have nothing else to do, he mutters, looking away, दूर देखते हुए, एक तरफ देखते हुए थोड़ा बुदबुदाता है, कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को है भी नहीं, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने थोड़ा आराम से, तसल्ली से उसको कहा, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, फिर मैंने तुरंत ही इस बात को महसूस किया कि मेरी जो ये एडवाइस है, जो मैं उसको सलाह दे रही हूँ स्कूल जाने की, इस सलाह में कि मेरी आवाज़ कितनी आवाज़ खोखली आवाज़ है, होलो, मेरी आवाज़ में कोई दम नहीं है, मेरी एडवाइस में क्यों दम नहीं है, क्योंकि आगे उसी ने बताया, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो बच्चे ने भी बता दिया कि जब मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब कोई स्कूल बनाएगा तो मैं चला जाऊँगा। If I start a school, अब राइटर बोलती है, If I start a school, अगर मैं स्कूल शुरू कर दूँ, will you come, तो तुम क्या आओगे मेरे स्कूल में। I ask half joking, थोड़ा सा मजाक, आधा मजाक करते हुए मैंने पूछ लिया। Yes, he says, smiling broadly, वो बहुत अधिक मुस्कराता है, उसने कहा हाँ ज़रूर आऊँगा। A few days later, कुछ एक दिनों के बाद, I see him running up to me, मैंने मेरी तरफ दौड़ते आते हुए उसको देखा और उसने आते ही पूछ लिया, इज योर स्कूल रेडी, क्या मैम आपका स्कूल तैयार है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले का पूछ लिया था कि भाई मैं स्कूल अगर बना दूँ तो क्या जाओगे, तो उस लड़के ने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार है।
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। अब मैंने भी उसकी बात को बहाना बनाते हुए कहा, बच्चे एक स्कूल को बनाने में बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है। एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, अपनी जो बात थी, हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई अर्थ नहीं था, उस मेरी इस वादे से मैं थोड़ी सी शर्म महसूस कर रही थी। एम्ब्रास्ड बट प्रोमिस, लेकिन वादे, बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मैंने जो वादा किया था स्कूल खोलने का, ऐसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके अंधेरे संसार में ऐसे वादे तो बहुत सारे हैं, लोग उसके साथ वादे करते रहते हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, अब उसके साथ जान पहचान को कई महीने हो गए। आई आस्क हिम हिज नेम, अब मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया, तो बच्चे ने नाम बताया, साहिब ए आलम, ही अनाउंस, उसने बताया कि उसका नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं जानता, साहिब आलम का क्या अर्थ बनता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो उसका अर्थ जानता तो उसका अर्थ बनता नाम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसका कितना मुश्किल समय बीत रहा है। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रजेंट, इतने मुश्किल समय में वो अपने उसका नाम, उसके नाम का क्या अर्थ है, क्या रिप्रेजेंट करता, वो इस बात से अनअवेयर है, अनभिज्ञ है। ही रोम्स, रोम माने तो घूमना, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक नंगे पैर वाले लड़क, जो सारे बच्चे नंगे पैर वाले बच्चों के एक आर्मी फौज है, उनके साथ वो गलियों में घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह सुबह जो जैसे मॉर्निंग के समय जो पक्षी एक साथ बाहर निकलते हैं, उड़ कर जाते हैं, उसी प्रकार उनकी बाती, वो सारे बच्चे पक्षियों की बाती निकलते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर तक सारे गायब हो जाते हैं, जब गर्मी होती है तो अपने अपने घरों को वो लौट जाते हैं। ओवर द मंथ, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दम, इच ऑफ दैम, प्रत्येक को मैं, हर जितने उसकी टोली में उसके साथी बच्चे सबको मैं पहचानने लग गई, जानने लग गई। अब मैंने एक दिन फिर पूछ लिया, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, अब मैंने और एक दिन पूछ लिया बच्चों से मजाक में कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, उनमें से एक बच्चे से मैंने पूछ लिया कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने साधारण सा जवाब दिया, मेरी माँ अलमारी से उतार के नहीं देती चप्पलों को। Even if she did, he will throw them off. अगर वो ऐसा कर देती है, अगर उस माँ चप्पल उतार के दे देती है, he will throw them off. तो उसको निकाल के भी फेंक देता है। Adds another. दूसरे बच्चे ने इस बात को जोड़ा, दूसरे बच्चे ने कहा कि इसकी माँ कभी उतार भी देती है ना अलमारी से, तो ये उतार के फेंक देता है, पहनता नहीं है। हु इज़ वियरिंग शूज़, जो बच्चा जूते पहने हुए था उसने ये बात कही, लेकिन दैट डोंट मैच, लेकिन उसके जूते थे वो मैच नहीं कर रहे थे, कोई बड़ा था छोटा था, अलग अलग कलर के थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, टिप्पणी की, ही चप्पल्स इज फिट, तो वह अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को बदल लेता है। एंड सेइंग नथिंग, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। आई वांट शूज, सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा, हु वाज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी एक जोड़ा जूते नहीं मिले थे, उसने कहा आई वांट शूज, कि मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते हुए, I have seen children walking barefoot. मैंने नंगे पैर बच्चों को घूमते हुए देखा है। In cities, शहरों में, on village roads, गांव के सड़कों पर, it is not lack of money. लेकिन ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है, but a tradition, लेकिन एक परंपरा है। But a tradition to stay barefoot, नंगे रहने की एक परंपरा है, is one explanation. ये एक ऐसा
टिप्पणी है, ऐसा वर्णन है, आई वंडर, मुझे इस बात पे अचंभा होता है, इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेटुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि मुझे अचंभा होता है एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, कि ये एक विवरण टिप्पणी करने का बताने का एक बहाना है, ए परपेटुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की हालत बताने का एक ये उन लोगों ने तरीका बना लिया है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी, उडुपी कर्नाटका में है, मुझे याद है एक आदमी जो उडुपी से था, एक बार उसने मुझे बताया, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ऑन एल्ट ओल्ड टेम्पल, कि जब वो लड़का बच्चा था तो वो एक जब स्कूल में जाता था तो एक पुराने मंदिर के पास से होके जाता था, एक आदमी ने बताई स्टोरी। वेयर इज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पे उसके फादर थे, पिताजी थे, वो पुजारी हुआ करते थे मंदिर में, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो वो थोड़ी देर के लिए स्कूल जाते समय मंदिर के पास खड़ा हो जाता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और भगवान से एक जोड़ा जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 years later और 30 साल के बाद आई विजिटेड हिज टाउन, फिर मैंने उसके शहर में 30 साल के बाद मैं दोबारा गई, एंड द टेम्पल, और वही मंदिर विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर, जो हवा में डिसोलेशन, जो वीरान तूफानों की वजह से वीरान हो चुका था, डिसोलेशन, अब वो मंदिर वीरान था, इन द बैकयार्ड, और उसके पीछे के हिस्से में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब एक नया पुजारी रहने लग गया था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और उसके यहाँ उसके मकान में सफ़ेद और लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ डली हुई थी, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, वीरिंग सॉक्स एंड शूज, जो जूते और जराबे पहने हुए था, अराइव्ड पांटिंग, पांटिंग का मीनिंग होता है हाँफते हुए, वो हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज बैग स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बैग, और एक फोल्डिंग बैग के ऊपर अपना बैग, अपना स्कूल बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के पर देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, उस लड़के को देख के मुझे वो दूसरे प्रार्थना करने वाले लड़के की याद आई, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी मंदिर की देवी का प्रार्थना की थी, वेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और जिस वजह से उसको अंत में एक जोड़ा जूते मिल भी गए थे। लेट मी नेवर लॉस देम, मेरे से वो जूते कभी लॉस नहीं होने चाहिए, नहीं खोने चाहिए, द गॉडेस हैड ग्रांटेड इज पेयर, और इसकी प्रार्थना को उस देवी ने प्रार्थना को स्वीकार भी कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, वो युवा लड़का उस पुजारी के बेटे की भांति नव वॉर शूज, अब वो भी जूते पहने हुए था, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे रैग पिकर जो मेरे पड़ोस में नेबरहुड में रहते हैं रिमेन शूजलेस, जो आज भी बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी, अब एक्वेंटेंस वो परिचित, अब मेरे जो परिचित नंगे पैर वाले जो रैग पिकर बच्चे थे, अब उनकी वजह से मैं सीमापुरी में चली गई। लीड्स टू मी सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र का एक स्थान, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि अब ये काफ़ी मीलों दूर है, मेटाफोरिकली रूप से, यानी रूपक रूप से, रूपक के रूप से मेटाफर के रूप से अगर देखते हैं तो ये दिल्ली से बहुत दूर है, यानी कि दिल्ली बहुत विकसित शहर है, लेकिन सीमापुरी का क्षेत्र है, वहाँ सारे मोस्टली रैग पिकर लोग रहते हैं। दोज हु लिव देयर आर स्केटर्स, जो लोग वहाँ रहते हैं वो सारे गरीब स्केटर्स का मीनिंग होगा, जो अपने जो इलीगल रूप से वहाँ रहते हैं, अवैध तरीके से रहते हैं, स्केटर्स,
हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे, अवैध रूप से आए थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, तब सीमापुरी एक बहुत ही वीरान क्षेत्र था, विल्डरनेस था, वीरान क्षेत्र था। इट स्टिल आज भी वीरान है, बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कीचड़ के बने हुए छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से घर, विद रूफ ऑफ टीन एंड तारपुलिन, जिनके घरों की छतें हैं वो टीन और तारपुलिन से बनी हुई हैं। प्लास्टिक की पॉलीथीन की छतें हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, कोई सीवरेज का कोई साधन नहीं है, ड्रेनेज नहीं, कोई नाली है और रनिंग वाटर और नहीं बहते पानी का कोई प्रबंध है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ लगभग 10,000 के आसपास रैग पिकर लोग रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले। दे हैव लिव्ड एयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पे लगभग 30 साल से बिना किसी पहचान के, कोई पहचान पत्र नहीं है, बिना पहचान के यहाँ रहते हैं। विदाउट परमिट्स, अवैध तरीके से, कोई इस भारत सरकार का कोई परमिट नहीं है, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड ज़रूर बना हुआ है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर, जिससे उनके नाम वाटर लिस्ट के अंदर उनके नाम ऐड हो गए हैं। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और इससे वो खाने के लिए अनाज भी खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन है वो जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए पहचान की बजाय ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिर में, शाम को, वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमच, और बिना पेट दर्द हुए अगर हम सो जाते हैं, वी वुड रेदर लाइव हेयर, तो हम इसे अपना बेहतर जीवन समझेंगे। देन इन द फील्ड, उन खेतों की बजाय, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो खेत हमें कोई अनाज नहीं देता, जिन खेतों में कोई अनाज नहीं होता, यानी जब वो बांग्लादेश में ढाका में रहते थे तो उनके खेतों में कोई अनाज नहीं होता था, तूफान की वजह से सब बर्बाद हो जाता था। तो कहते हैं यहाँ अगर हमें पेट भर खाना मिल जाता है तो उन खेतों की बजाय हम यहाँ ठीक हैं। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ी, टेटर्ड साड़ी, फटी पुरानी साड़ी पहने हुए एक महिलाओं के ग्रुप ने ये बात कही। वेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि आपने अपने इतने सुंदर खेतों और नदियों वाली जगह को, सुंदर ज़मीन को, हरी भरी जगह को तुमने क्यों छोड़ दिया, जब मैंने पूछा तो ये बात कही उन्होंने। वेर एवर दे फाइंड फूड, जब कहीं जहाँ भी उनको भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, तो वे अपने टेंट वहीं गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और इससे उनका अस्थाई, ट्रांजिट होम अस्थाई घर बन जाता है, अस्थाई निवास बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उनके बच्चे इन्हीं घरों में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनकी जीवित रहने की प्रक्रिया के हिस्सेदार बनते हैं, उनके साझेदार बनते हैं उनके साथ इस जीवित प्रक्रिया में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहना इसका मतलब ही रैग पिकिंग है, यानी कि सारे रैग पिकर रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले। थ्रू द ईयर्स, कई सालों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, अब काफ़ी साल हो गए हैं ऐसा करते करते, थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, इसने एक ललित कला का रूप ले लिया, इस कार्य ने ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, अब गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उनके लिए एक सोना बन गया है, उनके जीविका का साधन हो गया है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इनसे उनके रोजाना का खाना मिलता है, ब्रेड रोटी। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर की छत इसी से मिलती है, यानी कि छत का प्रबंध इसी से होता है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे उनकी छत है वो लीकिंग हो, यानी कि बारिश के दौरान टपकती हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत कुछ है।
I sometime find a rupee, even a 10 rupee note. कई बार मुझे कूड़े के ढेर में एक रुपया मिल जाता है. Even यहाँ तक तो कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप. साहिब की आँखों में चमक. और साहिब कहता है उसकी आँखों में चमक आ गई. चमक कहता है वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन. अब राइटर उसे क्वेश्चन करती है वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गारबेज. हीप ऑफ गारबेज कूड़े के ढेर में अगर आपको कभी चांदी का सिक्का मिल गया. यू डोंट स्टॉप स्कॉर्चिंग. तो तुम क्या ये कूड़ा बीनने का काम छोड़ दोगे, बंद नहीं करोगे. फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर. तो उसने कहा कि इससे और अधिक मिलने की हमें उम्मीद होती है, कि हमें उम्मीद बढ़ती रहती है कि हमें और कुछ मिलेगा और हम नहीं छोड़ते इस धंधे को. इट सीम्स ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन कि बच्चों के लिए गारबेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. कि बच्चों के लिए जो कूड़ा बीनने का जो अर्थ है वो अलग है. मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम किस से अलग है. व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. जो इसका अर्थ इसके माता पिता के लिए इसका जो भाव है उसके बच्चों का अलग है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर. बच्चों के लिए तो ये अद्भुतता से भरी हुई चीज़ है. रैप्ड इन वंडर अद्भुत से रैप्ड है. फॉर द एल्डर्स और बुजुर्गों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल. ये जीवित रहने की एक जीने का एक अर्थ है, अर्थ प्रदान करती है, जीने का साधन है. वन विंटर मॉर्निंग एक सर्दी की सुबह सुबह आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. एक पड़ोस में एक क्लब था. उस गेट के बाहर फैंस के पास बाड़ के पास मैंने साहिब को खड़े हुए देखा. वाचिंग टू यंग और उसको ये वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. मैंने देखा कि दो युवा दो सफ़ेद ड्रेस में टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम. ही हम्स का होता गुनगुनाना. वो गुनगुनाते हुए बोला कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस के पीछे बाड़ के पीछे खड़े होकर ध्यान से देख रहा था. कह रहा था आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड. ही एडमिट्स वो इस बात को स्वीकार करता है कि जब अंदर कोई नहीं होता तो मैं कई बार अंदर भी चला जाता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग और जो इसका गेट कीपर है चौकीदार है वो मुझे झूले पर झूलने भी देता है, मना नहीं करता. साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज. अब उसने देखा कि साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए खड़ा है. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. जो उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे उससे वो डिसकलर्ड मैच नहीं कर रहे थे, अलग थे. समवन गिव देम टू मी ही सेज. उसने कहा किसी ने मुझे ये दे दिए हैं. इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन एक एक्सप्लेनेशन के भाव से उसने कहा कि किसी ने मुझे दे दिए हैं. द फैक्ट सच्चाई ये थी दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय. वे किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज थे, छोड़े हुए शूज थे. हु परहैप्स रिफ्यूज द वियर देम. शायद उसने पहनने से इनको मना कर दिया होगा. रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम. क्योंकि उसमें किसी में एक में छेद हो गया था. डज नॉट बॉदर देम और उससे इसको कोई परेशानी नहीं है. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट एक जो नंगे पैर घूमता है. इवन शूज भी दे होल चाहे वो होल वाला ही शूज क्या ना हो, चाहे छेद वाला ही जूता क्या ना हो. इज ए ड्रीम कम ट्रू उसका तो सपना ही सपना सच होने के बाद इज ए ड्रीम कम ट्रू कि उनका जो सच्चा सपना है वो सच होने के करीब है, सच होने के जैसा है. बट द गेम लेकिन वो खेल ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली जिस गेम को वो इतने इंटेंटली इतने ध्यान से देख रहा है इज आउट ऑफ हिज रीच वो उसके पहुँच से बहुत दूर है. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ.
इस सुबह सुबह मैंने एक दिन देखा कि साहिब अपने रास्ते पर, और उसने देखा कि मिल्क बूथ पर, दूध की दुकान पर जाते हुए देखा। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, बड़ा सा बर्तन था दूध का। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं उस सड़क के उस पार मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। अब साहब ने चाय की दुकान पे काम करने लग गया। ही सेज, ये बताता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूर के ऊपर इशारा करते कहा कि मैं एक उस दुकान पे, चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, और दुकानदार मुझे 800 रुपये महीने के देता है। एंड ऑल माई मील्स, और पूरा मेरा खाना, दिन भर का खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या साहिब इस काम को पसंद करता है, पसंद है साहिब वो काम? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके चेहरे ने जो आज़ादी की जो लुक थी, जो आज़ादी की झलक दिखाई देती थी, वो खो दी, क्योंकि पहले वो आज़ाद पंछी की तरह घूमता था अपने काम में। अब मालिक के कहने से काम करना पड़ता है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, अब स्टील का कनिस्टर है, पिपा है, ये हैवी दिखाई देता है देन द प्लास्टिक बैग, जो उस किसकी बजाय जो पहले कूड़ा बीनता था और प्लास्टिक का बैग था, उससे ये कनिस्टर है, ये ज़्यादा भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो अपने कंधों के ऊपर जब वो अपने प्लास्टिक के बैग को कंधों के ऊपर रखता था तो उसको कितना लाइटली, कितना हल्का लगता था वो। इसके पीछे क्या कारण है? द बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग उसके खुद का था, उसको आज़ादी थी उस कार्य में। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और जो ये कनिस्टर है ये उस आदमी का है हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी ये चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब हदीक अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं रहा, अब उसको चाय की अपने मालिक के कहे अनुसार काम करना पड़ता है। ये उसमें फ़र्क आ गया। तो बेटा सेकंड पार्ट्स हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो इस वीडियो को बड़े इंटेंटली रूप से इसको ध्यानपूर्वक इसको देखना, बड़ा अच्छा चैप्टर है, आसान है, और इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिए हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना, और आज अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपना काम थोड़ा थोड़ा अवश्य करते रहना। धन्यवाद, थैंक यू।